एक इरडोफ के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक को आपने वर्टिकली अपवर्ड फेंका और एक को आप हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर फेंक रहे हैं, और फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस 1.7 सेकेंड के बाद पूछ रहे हैं। मैंने आपको कई बार बताया होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ किसी क्वेश्चन में चल रहे हो, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट, तो ऐसे क्वेश्चन में रिलेटिव मोशन की अप्रोच लगाने से क्वेश्चन इजिली सॉल्व होता है। तो हम भी इसको रिलेटिव मोशन से ही करने जा रहे हैं। तो रिलेटिव मोशन में आप देखें, ये लेट करते हैं ऑब्जेक्ट ए, इसको हमने 90 डिग्री पर फेंका, स्पीड है वी नॉट, वी नॉट की वैल्यू दी है 25 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के बाद आपको रिलेटिव मोशन देखना है, 1.7 सेकेंड के बाद। ठीक है, अब बात करते हैं बी। इस बी ऑब्जेक्ट को आपने वी नॉट स्पीड से ही फेंका है, लेकिन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहां पर कंपोनेंट लेंगे वी नॉट कॉस 60। वी नॉट कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट बाई टू। यहां पर आ जाएगा वी नॉट साइन 60, कितनी वैल्यू हो जाएगी, रूट 3 V0 बाई 2। ठीक है, ये B हो गया। अब आपकी मर्जी है आप किसका रिलेटिव मोशन किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू B। तो B को अगर आप स्टेशनरी करेंगे तो B अपनी वेलोसिटी अपने अपोजिट A को दे देगा। तो यहां पर आप A की वेलोसिटी इधर मान सकते हैं V0, यहां पर आ जाएगा √3 V0 बाई 2, और यहां पर आ जाएगा V0 बाई 2। मैग्नीट्यूड आपको एक रफ आइडिया है कि वी नॉट और ये वैल्यू वी नॉट से कम आने वाली है, तो रिजल्टेंट जो होगा इसका वो आप लिख सकते हो V0 बाई 2, और ये हो जाएगा V0 1 माइनस √3 बाई 2, और इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट यहां पर आ जाएगा VR। अब यहां पर हम VR पहले कैलकुलेट कर लें कि VR होगा कितना, रिजल्टेंट वेलोसिटी अंडर रूट V0 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस V0 1 माइनस √3 बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब एक और चीज है यहां पर, ये दोनों पे एक्सेलरेशन लग रहा है, जी और जी डाउनवर्ड। जब बी को रोकोगे तो बी अपना एक्सेलरेशन भी अपने अपोजिट दे देगा ऐसे, तो जी और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो लॉजिक हो गया। बाकी अब देखिए, दो ऑब्जेक्ट के लिए देखा जाए दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, तो दोनों रिलेटिवली एक दूसरे को क्या देखेंगे, अनएक्सेलरेटेड। अगर ये अनएक्सेलरेटेड दिखेंगे तो यही रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी हमेशा दिखेगी। अगर यही रिजल्टेंट दिखेगा तो मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म मोशन में आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं डिस्टेंस है आर, तो आर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम या वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को।